अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड हैविंग गुड टाइम। नाउ वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 3। सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड्स प्रॉब्लम। सो राइट क्वेश्चन नंबर 4A इन योर कॉपी। अ रिच मैन हैज़ रुपीज़ 5,600,000,000। इफ़ ही अर्न रुपीज़ 555,000,000, 280,400 ईच ईयर, वॉट विल बी हिज टोटल वेल्थ आफ्टर 5 ईयर्स। अब यहाँ हमें सबसे पहले डेटा बनाना है जो हमारी गिवन इन्फॉर्मेशन है। अ रिच मैन हैज़ रुपीज़ 5,600,000,000। सेकेंड इन्फॉर्मेशन, ही अर्न ईच ईयर रुपीज़, यानी जितने पैसे वो हर साल कमाता है। हिज वेल्थ आफ्टर 5 ईयर्स हमें मालूम करनी है। लेट्स स्टार्ट अवर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करते वक्त हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे कि वो अगले 5 सालों में जो है कितने पैसे कमा लेता है। तो जो उसकी एक मंथ एक ईयर की जो अर्निंग है उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो यहाँ हमारा सॉल्यूशन कैसे होगा, 5 ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो उसका आंसर 0 होता है। फिर 5 ज़ीरो ज़ीरो, 5 4 ज़ 20 का 0, 2 कैरी। अब 5 ज़ीरो ज़ीरो, 0 में 2 प्लस किए 2, 5 8 ज़ 40 का 0, 4 कैरी। 5 2 ज़ 10, 10 में 4 प्लस किए 14 का 4, 1 कैरी। 5 5 ज़ 25, 25 में 1 प्लस किए 26 का 6, 1 कैरी। 5 5 ज़ 25, 25 में 2 प्लस किए 27 का 7, 2 कैरी। और दोबारा 5 5 ज़ 25, 25 में 2 प्लस किए 27, लास्ट में कोई डिजिट नहीं था तो 27 पूरा लिख दिया। हमें यहाँ क्या पता चला, ही अर्न इन 5 ईयर, यानी जो उसने 5 सालों में जितने पैसे कमाए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हिज टोटल वेल्थ, यानी जो वेल्थ उसके पास पहले से मौजूद थी 5,600,000,000, उसके अंदर जो वेल्थ वो 5 ईयर्स में कमाता है या जितने पैसे उसके पास 5 साल में आते हैं उन्हें हम ऐड कर देंगे। 0 में 0 ऐड किया 0, 0 में फिर 0 ऐड किया 0, यहाँ पे भी 0 और 0 तो सम 0, फिर 0 में 2 प्लस हुआ तो 2, 0 में 0 प्लस हुआ तो 0, 0 में 4 प्लस हुआ तो 4, 0 में 6 प्लस हुआ तो 6, 0 में 7 प्लस हुआ 7, यहाँ 6 और 7 का सम क्या हो जाएगा, 13 का 3, 1 कैरी। फिर 5 प्लस 2 7, 7 में 1 ऐड किया 8, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, हिज टोटल वेल्थ विल बी 8,376,402,000। नाउ सॉल्व क्वेश्चन बी विद द सेम मेथड। थैंक यू।